दोस्तों एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास से गुजरे। खेत बहुत अच्छी जगह पर था, वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, पर उस खेत की हालत देख के लगता था कि उस खेत का मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। पूरी तरह से उजाड़ सी हालत थी उस खेत की। खैर, दोनों को बहुत प्यास लगी थी तो वो खेत के बीच में बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और तीन बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने पानी मांगा, उस आदमी ने उनको पानी पिलाया। फिर गुरु ने उससे पूछा कि भाई साहब, आपके पास इतना बड़ा खेत है, ना वहाँ पर कोई फसल है, ना फलों के कोई पेड़ है, आखिर आप अपना गुजारा करते कैसे हैं? आदमी ने जवाब दिया, जी हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है, उसको बेच के कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। क्योंकि शाम काफी हो गई थी तो गुरु और शिष्य ने रात को वहीं रुकने का तय कर लिया। आधी रात को जब सब गहरी नींद में सो गए, तब गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि चलो चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना है, पर जाने से पहले हम उस आदमी की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार डालेंगे। ऐसा करने का शिष्य का जरा भी मन नहीं था। उसे यह बहुत गलत लगा, पर वो गुरु की बात को टाल नहीं सका, तो वो भैंस को मारकर रातों रात वहां से गायब हो गए। ये बात शिष्य के मन में बैठ गई थी। 10 साल के बाद वो शिष्य एक सफल आदमी बन गया, तो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए और उस आदमी की मदद करने के लिए अपनी कार से उस खेत के सामने पहुंचा। पर वहां उसने देखा कि उजाड़ खेत एक शानदार फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, जहां एक अकेली भैंस बंदी होती थी, वहां कई अच्छी नस्ल की गाय और भैंसे बंदी हुई थी। शिष्य ने सोचा कि शायद वो परिवार अपनी जमीन किसी को बेच के कहीं चला गया है, और ये सोचकर वो वापस लौटने लगा तो उसे खेतों में वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दे गया। शिष्य उसके पास पहुंचा, बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, 10 साल पहले मैं आपसे मिला था। फिर वो आदमी बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे याद है, आप और आपके गुरु आए थे, उस रात को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। आप लोग बिना बताए चले गए, पर उस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस पहाड़ से नीचे गिर के मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ी काट कर बेचने लगा। पैसे आए तो खेत में बुआई कर दी, फसल अच्छी हुई तो उसे बेच के फलों के बगीचे लगा दिए, काम अच्छा चल पड़ा और आज मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। शिष्य बोला, ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तो आदमी बोला, तब जिंदगी बिना मेहनत के गुजर रही थी, कोई रिस्क नहीं था, तो लगा नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की, पर जब भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े और फाइनली मैं यहां तक पहुंच गया। दोस्तों, कई बार हम भी परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि उसी में जीना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। यहाँ तक कि हम अपनी नौकरी से कई बार इतनी नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिताने लगते हैं। कई बार नए अवसर के बारे में हम बस इसलिए नहीं सोचते क्योंकि पुराने से हमारा दाल रोटी का खर्चा निकल रहा होता है। हम डरते हैं रिस्क लेने से, और सिर्फ इन्हीं वजहों से हम कभी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते, हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते जिससे हमारी लाइफ कहीं बेहतर बन सकती है। दोस्तों, सोचिए कहीं आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेटर लाइफ जीने से रोक रही है। आपने कहीं उस भैंस को बांध के तो नहीं रखा है? और यदि लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और काट के फेंक दीजिए उस रस्सी को जो आपको बांध के रखी हुई है। दोस्तों, आपके पास खोने के लिए सिर्फ वो एक भैंस है, यानी जरा सी चीज, पर पाने के लिए आपके पास सारा जहान है। स्काई इज द लिमिट। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।